मूवीज ट्राइब प्रस्तुत करता है एव मरियम, डायरेक्टर है रॉबी एरतांतो और आईएमडीबी रेटिंग 6.9 है। सेंट स्टैनिस्लॉस चर्च, जहां 40 साल की नन मरियम रहती है, यहां बूढ़ी और बीमार हो चुकी नन्स की देखरेख की जाती है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों के लिए समर्पित किया है। कुल 7 सिस्टर्स यहाँ रहती है, जिसमें मरियम का काम है उन्हें नहलाना, उनके खाने पीने का ख्याल रखना, समय समय पर दवाई देना। एक रात काम खत्म कर वो कमरे में एक किताब पढ़ रही है। उसी रात उसने एक ख्वाब देखा। समंदर किनारे एक खिड़की है, जिसकी किवाड़ खोले वो समंदर को देख रही है। यहाँ से समंदर का नज़ारा अलग है। हवा इतनी तेज है कि उसे जद्दोजहद करनी पड़ रही है खिड़की खुला रखने के लिए, और एक उड़ती तितली आकर खिड़की पर बैठ गई। सुबह सुबह छोटी दिंदा दूध की बोतलें लेकर आई। मरियम ने खाने के टिफिन के साथ एक बोतल दूध फादर मार्टिन के लिए भेज दिया। चर्च में शाम की प्रेयर खत्म होने के बाद बारिश शुरू हो गई। फादर मार्टिन नई सिस्टर मोनिक को लेकर आए, जो अब से बाकी सिस्टर्स के केयर में रहेंगी। उनके साथ नए फादर यूसुफ भी आए हैं। फादर यूसुफ एक म्यूजिशियन है और चर्च की कोरस और ऑर्केस्ट्रा को देखेंगे। उन्हें यहाँ काम करने वाली तीनों सिस्टर से मिलाया गया, सिस्टर मिला, रेबेका और मरियम। सिस्टर मोनिक की देखरेख का काम मरियम को मिला। सिस्टर मोनिक बिल्कुल चुप रहती है, किसी से कुछ नहीं कहती, उन्हें अगर मदद की ज़रूरत पड़े तब भी नहीं। आज वो नहाते वक्त बाथरूम में मरियम को गिरी पड़ी मिली, इसीलिए मरियम दूर से ही उन पर नज़र बनाए रखती है, कहीं कोई ज़रूरत न पड़ जाए। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि वो उनके करीब कैसे जाए। अगले दिन छोटी दिंदा दूध की बोतलें लेकर आई। अब से फादर मार्टिन के साथ साथ फादर यूसुफ के लिए भी खाना भेजा जाएगा। चर्च की प्रेयर ख़त्म होने के बाद फादर मार्टिन ने मरियम से पूछा, क्या सिस्टर मोनिक यहाँ किसी से घुल मिल रही? मरियम ने ना में जवाब दिया। तब फादर मार्टिन ने उसे फादर यूसुफ से मदद लेने को कहा, क्योंकि वो उनके सबसे करीब है। मरियम फादर यूसुफ से बात करने पहुंची तो देखा कि वो क्लास में बिजी है। थोड़ी देर बाहर खड़े होकर वो गाना सुनने लगी। फादर यूसुफ ने उसे एक बार बाहर खड़े देखा, लेकिन थोड़ी देर बाद दोबारा देखने पे मरियम जा चुकी थी। अब शाम में यूसुफ बूढ़े सिस्टर्स के साथ नाच रहा है, उनका मन बहला रहा है। सिस्टर मोनिक भी उसका साथ दे रही है। एक दिन डॉर्मेटरी लौटते वक्त मरियम को रास्ते में फादर यूसुफ मिल गए। उन्होंने कहा, मुझे भी उस तरफ जाना है, थोड़े बेकरी का सामान खरीद कर साथ चले। फादर यूसुफ सिस्टर मोनिक के लिए तकरीबन रोज़ ही यहाँ आते हैं, क्योंकि वो किसी और से घुलती मिलती नहीं। आज उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब है। उन्हें कमरे में सुलाकर फादर यूसुफ बाहर दरवाजे पे खड़े हैं। तभी मरियम दरवाज़ा बंद करने आई। फादर यूसुफ ने कहा, क्या तुम मेरे साथ थोड़ा पैदल घूमने चलोगी? मरियम ने ना में सर हिलाया। फिर फादर यूसुफ उसे कल रात 8 बजे मिलने को कहकर वहाँ से चले गए। मरियम को कुछ समझ नहीं आया। आधी रात को सिस्टर मिला ने मरियम को उठाया। सिस्टर मोनिक को तेज़ बुखार है। पूरी रात मरियम ने उनकी सेवा की और वहीं बिस्तर के पास उसकी आंख लग गई। अगली सुबह मरियम को फादर मार्टिन से पता चला कि सिस्टर मोनिक पहले इसी डॉर्मेट्री में रहती थी और उनकी ही तरह दूसरे सिस्टर्स की देखभाल करती थी। एक दिन यहाँ एक अनाथ बच्चा आया। सिस्टर मोनिक ममता की भावना में बहने लगी। इतने समय तक अकेला रहने से एक खालीपन जो उसकी ज़िंदगी में था, उस बच्चे ने भर दी। उसने उसे गोद ले लिया और यहाँ से चली गई। आज वही बच्चा ही फादर यूसुफ है। उम्र के इस पड़ाव पे सिस्टर मोनिक को भी इस जगह की ज़रूरत आखिरकार पड़ ही गई। मरियम को उनकी कहानी छू गई। उसे फादर यूसुफ का संगीत बहुत पसंद है। उसका यहाँ बार बार आना, उसमें दिलचस्पी लेना, धीरे धीरे फादर यूसुफ उसके दिल में उतरने लगे। वो उसके ख्वाब में देखे समंदर की खुली खिड़की जैसा है, जहाँ से खुली हवा आती है, जहाँ तितली आकर बैठती है। एक दिन मरियम को अपने दरवाजे पे पड़ा एक कागज़ का टुकड़ा मिला। लिखा है,
आज रात 8 बजे मैं तुम्हारा उसी बेकरी शॉप के सामने इंतज़ार करूँगा। शाम ढल गई। फादर यूसुफ काफ़ी देर से सिस्टर मरियम का इंतज़ार कर रहे हैं। मरियम भी ज़्यादा देर तक खुद को रोक नहीं पाई, लेकिन जब वहाँ पहुँची तब फादर यूसुफ वहाँ से जा चुके थे। वापस आने पे उसने फादर यूसुफ को डॉर्मेट्री में पाया। सिस्टर मोनिक का ब्लड प्रेशर लो हो गया है, इसलिए यूसुफ को वापस आना पड़ा। फादर यूसुफ को अब तक नहीं पता था कि मरियम भी उससे मिलने वहाँ गई थी। अब यहाँ उसकी माँ समान सिस्टर मोनिक ने उसे समझाने की कोशिश की कि वो गलत रास्ते में जा रहा है, पर फादर यूसुफ ने कहा सबकी किस्मत और रास्ते का फैसला खुद उन्हें करने देना चाहिए। जो इसमें दखल देते हैं वो अपनी किस्मत तक कभी पहुँच नहीं पाते। ये सुनकर सिस्टर मोनिक समझ गई कि अब कोई फ़ायदा नहीं। इधर फादर यूसुफ रोज़ चर्च आने वाली किसी न किसी सिस्टर के हाथों मरियम के लिए खत भिजवाने लगा, जिसमें वो उसे मिलने की बात कहता। कुछ दिनों तक मरियम चुपचाप रही, फिर एक दिन वो रात में उसके दरवाजे तक आया और इस बार मरियम ने हालात के सामने घुटने टेक दिए। दोनों साथ बाहर है, कोई बातें नहीं हो रही, बस दोनों खुश हैं। आज बहुत बड़ी बंदिश तोड़कर वो बाहर निकले हैं। रोज़ इस तरह दोनों छुपते छुपाते मिलने लगे। देर रात डॉर्मेटरी में पहुंचने के कारण मरियम सुबह चर्च में देरी से आने लगी। सिस्टर मिला को भी वो कुछ बदली बदली सी लग रही है। किसी रात की तरह ठंडी हो चुकी मरियम यूसुफ के गर्माहट की तरफ खींचने लगी। आज फिर यूसुफ बाहर गाड़ी लेकर उसका इंतज़ार कर रहा है। मरियम ने रंगीन कपड़े पहने हैं, सर से दुपट्टा भी उतार दिया है। प्यार से महरूम और मासूम चीज़ क्या हो सकती है दुनिया में, जिसके लिए हम खुद को दरकिनार कर देते हैं। वो जहाँ पहुँचे वहाँ खुला समंदर है, बिल्कुल मरियम के सपने जैसा। यूसुफ ने उसका जन्मदिन मनाया और दोनों अपने जज्बातों में बह गए। वापस लौटते हुए शाम हो गई, बारिश हो रही है और दोनों गाड़ी में खामोश बैठे हैं। शायद आज उन्हें महसूस हुआ कि सारे हदें पार हो चुकी हैं। डॉर्मेटरी से थोड़ी दूर ही यूसुफ गाड़ी रोक उतरकर सड़क के कोने में खड़ा हो गया। सिगरेट जलाते हुए उसके हाथ कांप रहे हैं, नज़र मिलाने की हिम्मत नहीं उसमें। मरियम उसे एक बार देख बिना कुछ बोले चली गई। जब डॉर्मेटरी पहुंची, सारी सिस्टर्स ने मिलकर उसे बर्थडे सरप्राइज दिया। मरियम उन सबको देख भावुक होकर रोने लगी। बारी बारी से सभी उसे मुबारकबाद देकर जा रही है। जो प्यार हमें सबके लिए सिखाया गया है, वो अगर किसी एक इंसान से हो जाए तो वो गलत कैसे हो सकता है। फिर सिस्टर मोनिक ने उसे मुबारकबाद देते हुए कहा, मुझे पता है तुम्हारे अंदर उधेर बुन चल रहा है, कौन सा रास्ता सही है कौन सा गलत, मगर विश्वास करो मुझे पता होता तो मैं तुम्हें बता देती। अगली सुबह फादर यूसुफ मरियम से मिलने आया। सबको मालूम है कि उनके बीच क्या चल रहा है। मरियम बाहर नहीं आई, वो अकेले चुपचाप कहीं दूर चले जाना चाहती है। सभी सिस्टर्स को अलविदा कह मरियम यहाँ से हमेशा के लिए जा रही है। ट्रेन की सीटी बजी, मरियम ने खिड़की से देखा, बाहर यूसुफ खड़ा है। झट से सामान लेकर वो नीचे उतरी, पर वहाँ कोई नहीं था। बिना अपना गुनाह कबूल किए वो कहीं भी चली जाए उसे शांति नहीं मिलेगी। कन्फेशन करने वो चर्च पहुँची। पर्दे के उस पार फादर यूसुफ बैठे हैं, जिसका मरियम को नहीं मालूम। उसने रोते हुए अपनी गलती की माफ़ी मांगी। वो वापस सही रास्ते पर आना चाहती है। ना चाहते हुए भी फादर यूसुफ को अपने कदम पीछे खींच लेने पड़े। उसने सिस्टर मरियम का कन्फेशन कबूल किया। दोनों ने यहाँ से अपने रास्ते हमेशा के लिए अलग कर लिए। जिंदगी में हमें कब कहाँ क्या हासिल हो जाए और कब उसे खोना पड़े, इस पे तो किसी का जोर नहीं। दुनिया में बहुत सी चीज़ें हासिल नहीं होती, उस मलाल का मातम हम उम्र भर तो नहीं उठा सकते। जिंदगी जी भर के जीने का नाम है, जिसने ये समझ लिया उसने ज़िंदगी को सांच लिया।
दोस्तों, आज की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर शेयर करें और चैनल को भी पक्का सब्सक्राइब कर लें। आपसे जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर फ्रेंड्स।